तो काफ़ी सारी लीक्स और रूमर्स के बाद कल फाइनली लेनोवो ने Z6 Pro अपना लॉन्च कर दिया है चाइना में। लेनोवो Z6 Pro काफ़ी सारे टाइम से बहुत ज़्यादा लीक्स और रूमर्स में रहा, और कल जब उन्होंने लॉन्च किया तो कई सारी चीज़ें क्लियर हुई। और सबसे गजब की चीज़ जो हुई है वो ये कि लेनोवो Z6 Pro के कई सारे वेरिएंट हैं और कई सारी प्राइस अवेलेबिलिटी हैं, जिनके हिसाब से ये वन प्लस सिक्स टी और साथ ही साथ OnePlus 7 तीनों ही स्मार्टफोन के लिए गजब का कॉम्पिटिटर बनने वाला है। तो लेनोवो G6 Pro में स्नैपड्रैगन 855 आपको मिलने वाला है, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन फ्लैगशिप चिपसेट आपको यहाँ पर मिलेगा। टॉप ऑफ द लाइन एंड्रॉयड 9 Pie विद जेन UI 11 आपको मिलने वाली है यहाँ पर। उसके अलावा इन्फिनिटी यू डिस्प्ले दी गई 6.3 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन, और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि आपका इसके अलावा ऑप्शन देता है आपको फेस रिकॉग्निशन, उसके अलावा फास्ट अनलॉक सपोर्ट, और साथ ही साथ यहाँ पर एक लेनोवो क्लेम कर रहा है कि वेट फिंगर यानी कि अगर उंगलियाँ आपकी पानी से भीगी हुई हैं तो उसे भी इजीली स्कैन कर लेगा और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। मॉडल्स और वेरिएंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 6 GB, 8 GB और 12 GB की रैम के तीन अलग अलग वेरिएंट मिलने वाले हैं। और सबसे गजब की चीज़ यह है कि यहाँ पर लेनोवो अपना इस स्मार्टफोन का एक और वेरिएंट यानी कि 5G वेरिएंट भी निकालने वाला है 3 चाइनीज़ कंपनियों के साथ टाई अप करके, तो वो बाद में निकलने वाला है। कैमरे की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं बैक साइड पे 3 कैमरे और फ्रंट पे मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। बैक साइड के कैमरेज की अगर बात करें तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको दिया गया f1.8 का, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, और साथ ही टेलीफोटो लेंस दिया गया आपको 2 मेगापिक्सल का। और यहाँ पर फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ साथ कई सारे ऑप्शन जो कि आजकल आपको पिक्सल और गैलेक्सी S10 Plus हुआवे P30 Pro सब में कॉम्पिटिशन मिल रहा है, यानी कि सुपर नाइट सीन या नाइट मोड जो भी आप कह लें, उसके अलावा मैक्रो शॉट, सुपर वाइड एंगल, सुपर बॉडी, सुपर ये सुपर वो, बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर लेनोवो ने Z6 Pro में अपने कायदे से भर के दे दिए हैं। तो सारी चीज़ों के अलावा एक जो चीज़ और इसमें नोटिसेबल फैक्टर है वो ये है इसका 27 वॉट का फास्ट चार्जिंग, जिससे लेनोवो क्लेम कर रहा है कि इसकी 4000 mAh की बैटरी इस फास्ट चार्जर से तकरीबन 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी 0 से ऑलमोस्ट 90% तक। तो ये एक थोड़ा सा अच्छी चीज़ है। प्राइस की अगर बात करी जाए तो सबसे बेस वेरिएंट जो यहाँ पर 6 128 GB का होगा वो 30 30,000 रुपये के आसपास पड़ने वाला है। 8 128 GB और 8 256 GB वेरिएंट की अगर बात करी जाए तो 31,000 रुपये, 39,000 रुपये, और सबसे टॉप मॉडल 12 512 GB वाला मिलेगा आपको 51,000 रुपये का, सीरियसली 51,000 रुपये का। तो कंपटीशन होगा OnePlus 7 से, जब ही OnePlus 7 लॉन्च हो जाएगा, डेट उसकी भी क्लियर हो गई है, 14 मई को लॉन्च होने वाला है। इनवाइट आ चुका है मेल में कल, और जिन्होंने टिकट खरीदनी है वो खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदने का मूड है तो मैं एक दिन लिंक शेयर कर दूंगा, 2 दिन बाद यानी कि 25 अप्रैल को मिलने वाली है, सुबह 10 बजे टिकट सेल होगी तो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक इस चैनल को चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है।